हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि सारे होने से पहले ही इन सारे मामलों में और नौ तारीख तक ज्यादा इस तरह का कोई वेंचर कोई कानूनी हैसियत और पोजीशन नहीं है। और अगर इस्लामाबाद पुलिस या लाहौर पुलिस अधिकारी की नहीं करेगी केंद्रीय अदालत नंबर क्रॉस कर जो सारा खेल है ये उसको समझने की जरूरत है। तरीके इंसाफ के जो कारकुनान है और मैं उनसे मुखातिब हूँ, आप लोगों को खेल समझने की जरूरत है। ये इमरान खान को गिरफ्तार करना इसलिए चाहते हैं और गिरफ्तारी की कोशिश इसलिए करना चाहते हैं कि मुल्क में अमन अमान का प्रॉब्लम पैदा हो। आप लोगों ने किसी सूरत में कानून हाथ में नहीं लेना, अमन अमान बरकरार रखना है और मकसद सिर्फ इमरान खान की गिरफ्तारी से ये है कि लाशें गिराई जाए। ये चाहते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हो। पहले इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला किया गया, मकसद मकसद था कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुकम्मल डीरेल की जाए। आज इस वक्त जब इमरान खान के कानूनी तौर के ऊपर काबूज हासिल है, किसी किस्म का कोई मामला है नहीं, उनकी गिरफ्तारी की कोशिश सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लाशें गिराने के लिए की जा रही है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अमन अमान खराब करने के लिए की जा रही है। उनका पीछे वाले कानून के मुताबिक होना है और इंशाल्लाह ताला अगर हमें ज़रूरत पड़ी हमारे सारे कारकुनान जेल जा रहे हैं। इमरान खान कौन सा जेल से डरता है? सिर्फ ये है कि जेल इमरान खान को इसलिए भेज रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को कैद कर सकें, ये नहीं होना। पाकिस्तान के अवाम का शऊर इस वक्त जाग चुका है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त उठ खड़ा हुआ है। सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर आप देखिए कि किस तरह से हजारों लोग यहाँ जमान पाक में इमरान खान की हिफाजत के लिए निकले। ये वो पाकिस्तान के अवाम ने सिर्फ मुजाहरा नहीं किया, ये जो दोनों की हुकूमत बाकी पंजाब के इंतजामात के लिए जो ही इमरान खान ने पहले जलसे का ऐलान किया, उन्होंने एक वारंट निकाल के इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पे पहुँच गई और आईजी और राणा सनाउल्ला ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक क्लैश यहाँ इस लाहौर पुलिस को भेजा जा रहा है कि वो यहाँ पे आके आंसू लें, आंसू गैस के शेल फेंके, यहाँ से लोग रिटेलिएट करें, कोई नुकसान हो। हजारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जान इंसाफ उनको मीडिया यहाँ पे मौजूद है, उनकी आंखों के सामने आप देख रहे हैं कि जान को उसके हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज़ को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना और आप लोगों ने अमन अमान जो है उसको बिगड़ने नहीं देना। इमरान खान की गिरफ्तारी इस तरह की कोई कोशिश करेंगे कि इनको इसका भुगतना पड़ेगा और पीछे खड़े हैं, पाकिस्तान पूरा इमरान खान के पीछे खड़ा है, तरीके इंसाफ के पीछे खड़ा है और जीत इंशाल्लाह अवाम है। पे हमारे हजारों कारकुन मौजूद हैं, यानी लाहौर जो है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं अपने कायद के साथ इजहारे यकजहती करते हैं। जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा इनका मकसद है लाशें गिराना, खून इनको खून चाहिए क्योंकि इनके पास वोट खत्म हो गए हैं, क्योंकि इनकी सियासत दफन हो गई है, अब इनको खून चाहिए। अब मैं कारकुनों से लोगों आपने हर हाल में पुरअमन रहना है, हमने राणा सनाउल्ला को खून नहीं देना और मैं राणा सनाउल्ला को भी वार्निंग देना चाहता हूँ। तुमने पिछले 11 माह इस मुल्क पे, इस मुल्क की बच्चियों पे, इस मुल्क के बच्चों पे सियासी कारकुनों पे जुल्म किया है, तुम एक कौमी मुजरिम हो। यहाँ पे हमारे कारकुन और आवाम मौजूद है, सोचना भी मत कि अपनी छोटी सी जराइम के ऊपर अपनी सियासत के लिए तुम यहाँ पे लाशें गिराओगे।
हमें मालूम है कि तुम ये काबिलियत रखते हो, तुम्हारा जमीर मुर्दा है, लेकिन अगर तुमने ऐसे किया तो कानून की गिरफ्त तुम्हारे गिरफ्त तंग कर। और मैं आई जी को भी ये कहना चाहता हूँ और यहाँ पे ये जो लोग शेलिंग का सामान इकट्ठे कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख इस वक्त जिस दिहाने पर खड़ी है, कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जो आपको इस मुल्क को डिस्टेबिलाइजेशन की तरफ लेके जाए। हम पहले ही ये जो सिस्टम है जिसको बैसाखियों के सर पे खड़ा किया गया है, ये पहले ही बिल्कुल स्ट्रेस के अंदर मौजूद है। इसलिए कारकुन और आवाम यहाँ पर पुरमन रहे और तमाम अहलियान लाहौर इमरान खान से इजारे यकजहती के लिए जमान पार्क पहुंचे। मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। खामोशी एक बात में रखें कि जेलें हमारे लिए नई नहीं है, हम सब कुछ देख चुके हैं, जेलें तशद्दुद आपकी हर चीज हम देख चुके हैं और उसके बावजूद हम खड़े हैं, हमारा सपोर्टर खड़ा है। ये बात ये है कि आपने हर सूरत कानून पे अमलदारी करनी है, खान की हर डायरेक्शन को आपने मानना है। इस कौम का फखर खान है और इस खान के लिए ये कौम जो है वो बहुत अजीम है। खान इस कौम पे फखर करते हैं, पूरी कौम इस टाइम खान के साथ खड़ी है। हुकूमत का वाहिद मकसद इकॉनमी हाथ से जा चुकी, अपना वोटर हाथ से जा चुका, हर जगह इनको जूते पड़ रहे हैं। वाहिद मकसद अब ये कि अफरा तफरी फैला के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, चंद लाशें गिरे और इलेक्शन का स्केड्यूल देने की बजाय ये कहें कि अमन व अमान खतरे में है इसलिए अब इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारा प्रोपेगेंडा उसके लिए है। आपने किसी सूरत इस चक्कर में नहीं आना, आपने अपने लीडर की अपने तमाम लीडरान की बात को सुनना है, फॉलो करना है। कौम अवाम अवाम पूरी खान के साथ खड़ी है और खान आगे खड़ा के लिए लंदन गया है। ना खान के प्लेटलेट्स कम हुए हैं, ना खान को खौफ आया है। खान उधर लाहौर के अंदर बैठा है, अपनी कौम को फ्रंट से लीड कर रहा है, लंदन से बैठा लीड नहीं कर रहा। ना खान ने कहीं जाना है, उसका जीना मरना पाकिस्तान में है। जिंदाबाद। खान के साथियों का जीना मरना भी पाकिस्तान के अंदर है। राणा सनाउल्लाह साहब को हमारा मैसेज ये है कि हमने आपका तमाम तशद्दुद सब कुछ भुगत लिया है, अब आप आवाम से डरें, आप जरा इलेक्शन में जाए ना, आप जमानत जब्त करना तो दूर की बात है, आपकी तो टिकट लेने वाला इस टाइम बंदा कोई नहीं है। तो आप हर सूरत इलेक्शन से भागना चाहते हैं, लेकिन अब ये आवाम और इनका लीडर इमरान खान ना आपको इस आवाम से ना एहतसाब से और ना इलेक्शन से भागने देंगे।